आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 570वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। चुनाव कुछ समय बाद होने वाले हैं सिवनी में। फिलहाल हम आज काफ़ी ऊंचाई पर रूफ O2 रेस्टोरेंट पर खड़े हुए हैं। यहाँ से अगर हम पीछे आपको नज़ारा दिखाएं तो ये सिवनी शहर का नज़ारा, बोरदई टेकरी आपको वहाँ दूर दिखाई दे रही होगी और पर्वत श्रृंखलाएं भी यहाँ आपको दिखाई दे रही होंगी। जो सतपुड़ा मेकल पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो आपको दूर तक दिखाई दे रही होंगी। मिशन उच्चतर माध्यमिक शाला हमारे पीछे है। आज हम बात करने जा रहे हैं, इसके पहले हमने आपको दो विधानसभा क्षेत्रों के बारे में बताया। सबसे पहले हमने आपको बताया सिवनी, उसके बाद फिर बरघाट। दोनों विधानसभा क्षेत्रों के बाद आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं केवलारी विधानसभा क्षेत्र के बारे में। दो विधानसभा क्षेत्रों का जो इतिहास रहा है वो हमने आपको बताया। केवलारी विधानसभा अगर आज़ादी के उपरांत देखा जाए तो 1991 में ये कानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र हुआ करती थी। यहाँ दादू महेंद्र नाथ सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ विजयी हुए थे। 1957 में भौमा विधानसभा क्षेत्र ये हुआ और यहाँ पर दो विधायक होने का उल्लेख मिलता है, मनोहर राव जटार और दीप सिंह ठाकुर, दीप सिंह इनका उल्लेख मिलता है। और 1962 में भौमा ही विधानसभा क्षेत्र, पहले कानीवाड़ा रही फिर भौमा विधानसभा क्षेत्र, भौमा विधानसभा क्षेत्र में आरआरपी की तरफ से योगेंद्र नाथ सिंह, दादू योगेंद्र नाथ सिंह यहाँ से विधायक रहे। 1967 में विधानसभा क्षेत्र का नंबर 197 हुआ करता था और यहाँ से 62 का हमने आपको बताया, 1962 में योगेंद्र नाथ सिंह, दादू योगेंद्र नाथ सिंह, 1967 में विमला वर्मा कांग्रेस से, 1972 में 197 विधानसभा क्षेत्र विमला वर्मा पुनः विजयी हुई, तीसरी बार 1977 में विधानसभा क्षेत्र का नंबर बदला 211 हुआ और 211 में एक बार फिर विमला वर्मा यहां से विजयी हुई, 1980 में 211 हुआ और विमला वर्मा एक बार फिर यहां से विजयी हुई, चार बार वे विजयी रही और पाँचवीं बार उन्होंने विजयश्री का वरण किया 1985 में। विधानसभा क्षेत्र 211 था, वे कांग्रेस से विजयी घोषित हुई। 1990 में एक जो सिवनी में बदलाव देखने को मिला, 1990 में सिवनी विधानसभा क्षेत्र भी कांग्रेस के हाथ से गया, बरघाट विधानसभा क्षेत्र भी कांग्रेस के हाथ से गया और केवलारी विधानसभा क्षेत्र भी कांग्रेस के हाथ से गया। यहां से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी नेहा सिंह विजयी यहां से घोषित हुई हैं। 1993-90 में नेहा सिंह और 1993 में जब चुनाव हुए, सुंदरलाल पटवा की सरकार गिरी, उसके बाद बाबरी मस्जिद वाले प्रकरण के बाद सरकार गिरी सुंदरलाल पटवा की, और उसके बाद 1993 में जब चुनाव हुए तो हरबंस सिंह यहां से पहली बार कांग्रेस से चुने गए। 1998 में हरबंस सिंह दूसरी बार चुने गए, 2003 में हरबंस सिंह तीसरी बार चुने गए और 2008 में 116 विधानसभा क्षेत्र हुआ पुनर्सीमन और परिसीमन और पुनरारक्षण के उपरांत। यहाँ से एक बार फिर हरबंस सिंह चुनाव 2008 में जीते, हरबंस सिंह चौथी बार यहाँ से चुनाव जीते थे और 2013 में उनके अवसान के बाद उनके पुत्र रजनीश हरबंस सिंह यहाँ से चुनाव जीते। कांग्रेस का गढ़ रहा, एक बार 1990 में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ विजय हासिल की और 2018 में जब चुनाव हुए तो 2018 के चुनाव में एक बार फिर इस विधानसभा क्षेत्र को कांग्रेस का अवैध गढ़ होता था और कांग्रेस से यहाँ कांग्रेस से छीनना बड़ा मुश्किल होता था और कांग्रेस से इसे छीन लिया गया भारतीय जनता पार्टी के राकेश पाल सिंह के द्वारा। तलसागर तालाब हमारे पीछे इस तरफ है, चूँकि हम काफ़ी ऊंचाई पर खड़े हैं और हरियाली आपको दिख रही होगी इसलिए तलसागर तालाब बहुत स्पष्ट तौर पर नहीं दिख रहा। ये छत जो आपको यहाँ पर ढली हुई दिख रही लाल रंग से, ये CNI चर्च की यहाँ पर छत, हमारे बाजू में ये पुराना चर्च जहाँ पर स्टेट बैंक हुआ करता था, ये ठीक बाजू में एक समय में यहाँ स्टेट बैंक हुआ करता था। बहरहाल हम आपको अभी फ़िलहाल जो जानकारी दे रहे हैं उस जानकारी के हिसाब से कांग्रेस का अवैधगढ़ केवलारी में हरबंस सिंह और विमला वर्मा पांच बार, हरबंस सिंह चार बार, दोनों के द्वारा यहां पर चार और पांच बार चुनाव जीते गए। रजनीश सिंह पहली बार हरबंस सिंह के निधन के उपरांत रजनीश सिंह चुनाव जीते और रजनीश सिंह के चुनाव जीतने के बाद वे अपनी विरासत, पिता की विरासत को
सहेज कर नहीं रख पाए। 2018 में भारतीय जनता पार्टी के पहली बार चुनाव लड़ा था राकेश पाल सिंह ने, और राकेश पाल सिंह वहाँ से विजयी घोषित हुए। केवलारी के बारे में हम और विस्तार से आपको जो भी है उसको लखनादौन विधानसभा क्षेत्र का, जैसे ही हम पूरा पुराना सिनेरियो 1951 से आज तक का बताएंगे, उसके बाद फिर हम बताएंगे आपको उसके बारे में, हर विधानसभा क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे और हर विधानसभा क्षेत्र के समीकरणों के बारे में बताएंगे। केवलारी की जहां तक बात है तो 5 सालों में केवलारी की जनता का ये कहना है कि रजनीश हरवन सिंह 5 सालों में शायद ही जनता के सुख दुख में वे आए हों। सेवा दल के वे प्रदेश अध्यक्ष हैं, सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद भी सिवनी में सेवा दल कोविड में भी कहीं दिखाई नहीं दिया, जबकि भारतीय जनता पार्टी का एक अनुषांगिक जो मूल संगठन, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसे माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का मूल संगठन वो है, और इसी के पैरेलली, इसी के समानांतर कांग्रेस ने सेवा दल को खड़ा किया था, पर सेवा दल के सिपाही भी प्रदेश अध्यक्ष सिवनी से होने के बाद, प्रदेश अध्यक्ष रजनीश हरवन सिंह हैं उनके होने के बाद भी सिवनी में कांग्रेस कहीं कोविड में नहीं दिखाई दी। वर्तमान में लोगों का ये कहना है कि सर्वे में ही कांग्रेस दिखाई दे रही है, सर्वे के अलावा जमीन पर कहीं नहीं दिखाई दे रही है। मेडिकल कॉलेज सिवनी में बन रहा है, मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बन रही, कांग्रेस मौन है, स्थानीय मामलों में कांग्रेस पूरी तरह मौन है, ये बात समझ से परे है। बहरहाल फिलहाल हमने आपको 1951 से 2018 तक विधानसभा चुनावों में जो भी नतीजे रहे, विधानसभा चुनावों में जो भी सिनेरियो बना, कौन विजयी हुआ, किस पार्टी का रहा, ये हमने आपको बताया। इसके बाद अब हम एक विधानसभा क्षेत्र बनता है, बचता है लखनादौन, चूंकि घनसौर विधानसभा क्षेत्र परिसीमन और पुराना आरक्षण में समाप्त हो चुका है, इसलिए अब हम आपको लखनादौन के बारे में अगले एपिसोड में बताएंगे कि लखनादौन की क्या स्थिति रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 570वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन और अन्य खबरें पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये सब कैसी लग रही हैं ये खबरें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में अगर आप लिमटी की लालटेन देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज के न्यूज चैनल पर इसे देख सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 571वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।